तो एटमी जंग इंडिया और पाकिस्तान में हो सकती है इस पानी पानी के मसले पे। अगर हमारा पानी रोका गया, अगर हमारे यहाँ बच्चे कतरा कतरा पानी के मोहताज हुए, अगर हमारी फसलें तब बर्बाद हो गई, चावल की, गन्ने की फसल को, कॉटन की फसल को पानी नहीं मिला, तो हम ये ऑप्शन हमारे पास फिर है कि हमारे पास जो एटमी ताकत है हम, और हम उस आदमी को जो हमारा जीने का हक हमसे छीन ले अगर, तो फिर हम उसका भी जीने का हक अगर ठीक, इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये एक एटमी जंग की बात है। तो मैं इस मौसम कॉन्टेक्स्ट में साहब, सिर्फ मौसम मारू को ये कह रहा हूँ कि ये बात कितनी आगे बढ़ सकती है, कितनी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ये पानी जो है ये जिंदगी है, ये लाइफ है। आपको एक बात और आपको मैं बतलाता चलूँ कि दुनिया में कम से कम पानी का इस्तेमाल, फीकस इस्तेमाल जो है वो 1,000 क्यूबिक फीट, और हमारे यहाँ उस मिनिमम लेवल पे हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, और दुनिया के चौथे पांचवें बड़े इस्तेमाल पानी इस्तेमाल करने वाले मुल्क हैं, क्योंकि हमारा मजहब पाकीज़गी बतलाता है, हम 5 टाइम वजू करते हैं, तहारत करते हैं, तो हमारा जो पैटर्न है उसमें पानी का इस्तेमाल हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। सनत में आज टैंकर माफिया ने सनतों को करोड़ों रुपए का पानी दे रहे हैं, वो हमारा ही पानी चुरा के हम ही को बेच रहे हैं, गेट पे खड़े रहते हैं, कैश लेके जाते हैं, और जब वो पानी आता है तो हम हमारे टेक्सटाइल की सनत, प्रोसेसिंग सनत, डाइंग की सनत जो है उसका खाम माल के तौर पे वो पानी इस्तेमाल होता है। सवाल यह है कि इतनी अहमियत जो आप और हम सब मान रहे हैं और उसमें ये हकीकत है, तो हुकूमत ने पानी के लिए ना कोई जामा पॉलिसी बनाई, ना अभी सुन आज अखबार में मैंने बहुत दिनों के बाद पढ़ा था कि कोई वाटर पॉलिसी जो आने वाली है, ना स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस किया, और दुनिया में सैकड़ों वो डैम बन रहे हैं। अब मैंने सेकंड कॉलम की जब रिसर्च करा तो कितने सौ चाइना में है, कितने सौ इंडिया में, पाकिस्तान में क्यों नहीं डैम बन रहा है? 1975 के बाद हमने डैम का बनाना जो है वो सियासत की नजर कर दिया। काला डैम बैंक सबसे मौजू, सबसे कम कॉस्ट, सबसे ज्यादा रिजर्वायर, सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने का नहायत ही मौजू मंसूबा था, उसको हमने सियासत की नज़र करके एक गाली बना दिया है। एक सुबह बात करता तो दूसरी सुबह उठ के चला जाता, उसको बात करने के तैयार नहीं है। ये हमारी अगर अप्रोच है तो यकीनन 2025 में जो हमने वर्किंग की है उसके हिसाब से टेक्सटाइल, ये जो पानी का बुरान मुतवक्के है, ठीक वो है। पानी का बुरान अच्छा जो है सर, ये वो जो आपने हमारी बात की ना ज़रात कि को कोई भी पॉलिसी मुतासिर नहीं बन करेगी, सकी, मैं इस वो हवाले से हमारी बात करना मार्शल को भी चाहूंगी। मुतासिर। सेनेटर मोहसिन लगारी साहब, फॉर्मर सेनेटर रह चुके हैं। मोहसिन लगारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मोहसिन लगारी साहब। मोहसिन लगारी साहब, आप बड़े वोकल रहे हैं पानी के इशू के हवाले से, लेकिन आपकी सुनी किसी ने नहीं। सर, अब पाकिस्तान में पानी की पॉलिसी 2002 से एक ड्राफ्ट पॉलिसी जो है वो आज तक उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन ही स्टार्ट नहीं हो सकी। फिर 18वीं तरमीम आ गई, मैडम बता भी रही हैं, उसके बाद सूबे अपनी अपनी तश्कील दे रहे हैं और वो भी पता नहीं कब पूरी होगी। ये क्या बुनियादी तनाजा क्या खड़ा हो जाता है सर? ये सब सूबाइत क्यों आड़े आती है, पाकिस्तानियत आड़े क्यों नहीं आती? देखिए जी, इसमें सिर्फ पानी की जो पॉलिसी बनाना है, सिर्फ पानी की पॉलिसी हमने नहीं बनाई, हमने तो कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई। मैं तो पानी की के ऊपर शोर मचाता रहा, लेकिन क्या हमारी कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, क्या हमारी कोई एजुकेशन की पॉलिसी है, क्या कोई हमारी हेल्थ की पॉलिसी है? बदकिस्मती से ये जो चीजें हैं ये कहीं पे सीरियसली डिबेट ही नहीं होती। और पानी की पॉलिसी में भी बहुत जरूरी है स्टोरेज, बहुत जरूरी है स्टोरेज, लेकिन उस स्टोरेज के अलावा जो हम पानी का ज्ञान कर रहे हैं उसको भी तो गौर करने की जरूरत है। हमारा जो कनाल नेटवर्क है, हमारे बराज हेड से लेके और जब वो आखिरी तक तेल तक पानी पहुंचता है तो आधे से ज्यादा तक पानी जो है वो बीच में जाया हो जाता है। एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर के ऊपर भी तो किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी, और इसमें सवाल ये है लगाई साहब, सवाल ये है क्यों नहीं दी, सवाल ये है कि क्यों नहीं दी, हमेशा रहेगी। किन किन को आप मुर्दे इल्जाम ठहराएंगे, किन की तरजीह नहीं रही है? हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं जी, हमारे डिसीजन मेकर्स को ये चीज सामने शायद नजर नहीं आई। बिजली क्योंकि हर घर में जब नहीं होती तो लोग शोर मचाते हैं, तो बिजली के ऊपर हमारी तवज्जो हो जाती है। पानी क्योंकि अब तक आ रहा है तो इसलिए उसके ऊपर हमने तवज्जो नहीं दी। वापजा जो कि ये बॉडी है, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वाटर पहले पावर बाद में, लेकिन हमारी समाव तरजीहात में पावर ही बन गया है सारा कुछ। और पानी जो कि हमारी सर्वाइवल के लिए जरूरी है, उसके ऊपर हमने कोई मनसूबाबंदी ही नहीं की। कोई लॉन्ग टर्म भी नहीं है, कोई शॉर्ट टर्म भी नहीं है। पानी की हमने कीमत भी कोई नहीं रखी। हमें क्योंकि पानी बहुत सस्ता मिल जाता है, जो चीज सस्ती है उसकी कोई कदर ही नहीं करते। शहरों के अंदर भी हमारा पीने का पानी जो है उसके ऊपर भी हमारी कोई तवज्जो नहीं है, और अब हम क्राइसिस देख रहे हैं।
कोयटा के अंदर एक मेजर क्राइसिस है, कराची के अंदर एक मेजर क्राइसिस है, लाहौर के अंदर यह है कि पानी जो है हम मजीद ट्यूबवेल्स लगा के और हम पानी निकालना शुरू कर देते हैं। जो अंडरग्राउंड पानी है उसको जितने बेजरीक तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा जो वाटर टेबल है कितनी तेजी से गिर रहा है। तो लगारी साहब, इसकी क्या वजह है, इसकी क्या वजह सर कि आपको इदराक था, आप इसके हवाले से बोलते थे लेकिन आगे से कुछ सुनता नहीं था आपकी, क्यों नहीं सुनता था सर और कौन थे जो नहीं सुनते थे? यही तो मैं पिछले मेरे तकरीबन 12-15 साल जो पार्लियामेंट में गुजरे हैं वो यही कुछ कहते हुए गुजर गए हैं। पहले पंजाब में मैं यही चीज उठाता रहता था कि खुदारा हमारा जो कैनाल नेटवर्क का सिस्टम है उसकी देखभाल की जरूरत है, हमारे बैराजेस की बुरी हालत है। सर आपको जवाब क्या मिलता था? कैरी करने की कैपेसिटी आपको जवाब क्या मिलता था लगारी साहब, ये बताए ना, जब आप इन इश्यूज पर बात करते थे तो जवाब क्या मिलता था? जी जवाब कोई नहीं मिलता था, वो कहते थे ये एक दीवाने का शोर है, इसको सुन लो और फिर नई बातें करनी शुरू कर देते हैं। हम इसके ऊपर पॉलिसी संभव नहीं बन सकी और हमारे सर्वाइवल की ये बात है, सर्वाइवल की हमारी ये बात है। मेरे साथ अरशद अबासी साहब भी मौजूद है जी, एनर्जी एक्सपर्ट है। अरशद अबासी साहब, आप तो खुद एनर्जी एक्सपर्ट है सर, हम बिजली का रोना रोते थे, अब बिजली तो थोड़ी बहुत आ ही गई है सर, लेकिन बात वो है कि अब पानी नहीं आ रहा और जब पानी नहीं होगा सर तो फिर बिजली भी बड़ी महंगी मिलेगी क्योंकि जारी बात है मुतबादल जराए से हमें हासिल करनी पड़ेगी। ये क्या वजह है सर कि हमारी हुकूमत की तरजीह इस दौरे हुकूमत में बिजली रही और उसी के ऊपर ये लोग वोट मांगेंगे लेकिन जब पानी नहीं होगा, जिंदगी नहीं होगी, पाकिस्तान ही नहीं होगा, इस हवाले से कोई तवज्जो क्यों ना दी गई? बहुत शुक्रिया, मैंने आपकी बाकी पार्टिसिपेंट की बातें गौर से सुनी है। पहली बात ये है कि आज का जो टॉपिक है वो पानी की कमी और पानी की जो रिजर्वायर हमारे पास नहीं बन रहे वो इशू है। अगर एक पॉलिसी थी बाबका की 2025, ये 2001 में आई थी, फिर पावर पॉलिसी 2002 में मिस्टर वाटर पार ने इंडोज की थी, उससे बड़ा क्लियर लिखा था, माइलस्टोन दिए गए थे कालाबार डैम के, बाशा डैम के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बाशा डैम का फाउंडेशन स्टोन 2007 पर रखा गया लेकिन सवाए पेरिफेरल वर्क के अलावा कोई काम इशू नहीं हुआ। इसी तरह कालाबार डैम तो कंट्रोवर्सी के शिकार हो गया लेकिन हमारी डिबेट थोड़ी सी इस साइड पे चलेगी जी, वो पॉलिसी बनी या नहीं बनी, ये नीड तो सामने पोस्ट है कि ये हमारी, हमने इतने रिजर्वायर बनाने हैं, हमारी पानी की जो जरूरत है अभी वो तकरीबन 800 मीटर क्यूब पर पर्सन है, ये बहुत कम है, अलार्मिंग स्टेज पे है। लेकिन क्योंकि यहाँ के बीच में अखबारी रिपोर्टें भी आ गई हैं, मैं आपको ये भी बता दूं कि दुनिया में अभी 84 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे कैपिटा अवेलेबिलिटी पाकिस्तान में उससे भी कम है। ज्यादा जो इशू जिसकी तरफ हम तवज्जो नहीं दे रहे रिजर्वायर के अलावा वो है वाटर मैनेजमेंट का। जैसे मैं मिसाल देता हूँ ना, लगारी साहब है कल पूछे ना सिनड में, अगर सिनड में है कि इस्लामाबाद में पानी कितने कितने सोर्सेज से आता है, खानपुर से आता है, सिंपली से आता है, वो ट्यूबवेल से आता है, ये अगर जब टोटल आर्गुमेंट करें तो आप पानी जो शहरियों को मिल पाता है वो कुछ घंटों के लिए मिल पाता है, लेकिन अगर सप्लाई एंड पे देखें तो 400 लीटर पर कैपिटा पर पर्सन यहाँ पे भी अवेलेबल है। लेकिन इश्यू क्या है? इश्यू है वेस्टेज, बैड मैनेजमेंट, उसकी तरफ हम ना कभी तवज्जो देंगे ना कभी दें आगे हमारा कोई ख्याल है ना हमारी कोई प्रायोरिटी है। क्या ये जो वाटर पॉलिसी नहीं बनेगी ये तरह के इशू होंगे? ये बिल्कुल नहीं है, ये ऐसी बेकार बातें हैं। यहाँ पे बीबी बैठी है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर सोर्सेज से, ये साल बाद स्टेटमेंट दे देते हैं कि जी पानी की सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है, ये टेस्ट रिपोर्ट देते हैं। देखें इस तरीके से मसला हल कभी भी नहीं होगा। आपकी जामिया एक्शन प्लान जो कि जिस तरह मिनिस्ट्री ऑफ वाटर है डेडिकेटेड इंडिया में, उनका एक रोड मैप है, अभी वो 5000 डैम मुकम्मल कर चुके हैं, अभी उनकी 250 मिलियन एकड़ फीट की उनकी कैपेसिटी बिल्ड हो चुकी है, वो रिवर लिंकिंग वहां पे जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है 180 बिलियन का, जिसके पर बड़ी स्टेट्स कर्नाटका महाराष्ट्र उनके भी बड़े डिस्प्यूट थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट है जिसके पर कोई असेंबली डिबेट नहीं करेगी, कोई किसी किस्म की कोई कोर्ट वो नहीं करेगी। ठीक है अरशद साहब, ठीक है, पॉइंट वेल टेकन, हम आपका इंतजार करें, आप स्टूडियो भी पहुंचे। ये कितनी जबरदस्त बात आपने की है, भारत के अंदर जो नेशनल इंपॉर्टेंस के टॉपिक्स है वो ये हैं, पानी, खुराक, दीज, और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल सिक्योरिटी और ये मामलात हैं वो, और जो नेशनल इंपॉर्टेंस के मैचेस हैं वो कुछ और ही मैचेस हैं कि जी सिविल हुकूमत की और मिलिट्री हुकूमत की आपसी लड़ाई और जंग और इन इस इशू पे बात करनी है, मीडिया इस इशू पे बात कर, उस पर इशूज़ ही टोटली डिफरेंट है। असल नेशनल इंपॉर्टेंस के जो इशूज़ हैं वो ये हैं जिनके ऊपर हमारी कोई पॉलिसी अनफॉर्चुनेटली